देखो मैंने जो है थीम अपना चूज किया है इस कलर का, ये है कौन सा कलर हुआ, ये मैजेंटा पिंक पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा जो दिख रहा है आपको, ये और इसके साथ व्हाइट। तो ये है इसका जो बैकड्रॉप होगा वो इस कलर का होगा, और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं ये वाला हैप्पी बर्थडे बैनर, ये वाला, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवा लिया। और है मेरे पास पार्टी फ्रॉक्स, और ये भी मंगवाया मैंने, स्टार जो होते हैं ना वो फॉइल वाले, हाँ ये बहुत सारे अलग है। और ये है फॉइल बलून, इस पे हम कुछ लिख भी सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये इसमें एक दिया है, इसमें पेन दिया है जिससे हम कुछ लिख भी सकते हैं, ये देखो जो बलून होगा उस पर हम कुछ लिख सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो मैंने मंगवा लिया। और यही चीजें है, ये ऐसा हार्ट है फॉइल वाला, बलून्स है बहुत सारे, और एक ये भी मंगवाया है जो आपने पार्टीज में देखा होगा जो टेबल के नीचे ऐसे लगा होता है, ये भी मंगवाया है। और मैंने लिया है एक ये जो केक पे लगता है, क्या बोलते हैं इसको, या मैं अपने केक पे लगाऊंगी, इस पे लिखा हैप्पी बर्थडे, और पता है इसमें लाइट भी जलती है, तो ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे, ले लिया। और मैंने मंगवाया है ये जो कि आप लोगों ने पार्टी पॉपर देखे होंगे, तो वो गंदे होते हैं। हाँ भाई पता चल गया तुम्हारा बर्थडे है, अब इतना भी क्या डांडिया खेलेंगे हम इसके साथ। तो यार पार्टी पॉपर जो ये वाला डिफरेंट है, ये वाला अलग वाला है, ये जो है ना इसमें वो है, ये मैं पहन के दिखाऊंगी, लाओ सारी चीजें तुम दिखा रही हो, वो दिखाओ ना, तुमकी रोज पेटल है इसमें, 100 बार यही बोलो, तुम नहीं बताया अभी तक। पर लाइट नहीं जल्दी खराब वाला है क्या? तो ये जो ग्लासेस है इसमें लाइट्स है और ये बहुत ही अच्छी है, अभी पता नहीं क्यों नहीं जल रही, जिस दिन जलेगी उस दिन जलेगी तो मैं दिखाऊंगी आपको, जरूर जलेगी। और यही कुछ चीजें थी बर्थडे डेकोरेशन के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पार्टी जो है वो 13 को कर रही हूँ, और 14 को जो होगी वो घर पे होगी हाउस पार्टी।